हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जस्ट नॉलेज में। आज का हमारा ये वीडियो विश्व भूगोल पर पांचवा अध्याय होगा, जिसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखें सबको पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम केवल समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें आप इस वीडियो से रिलेटेड जो थ्योरी होगी या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको भी उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको PDF के रूप में सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय और हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में या पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक विशाल गोले के रूप में है, मीन्स एक ऐसा गोला जिसकी जो रेडियस है वो लगभग 6370 किलोमीटर है। तो इतने बड़े गोले के भीतर जाना संभव नहीं है, मीन्स पृथ्वी के भीतर जाना संभव नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल उठा कि पृथ्वी के अंदर की जो बनावट है या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में कैसे पता लगाया जाए, मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जाना जाए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध हैं उनमें से कुछ तो अप्राकृतिक साधन हैं, मीन्स आर्टिफिशियल सोर्स, जिनमें है घनत्व, दबाव और तापक्रम, मीन्स डेंसिटी, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसके जरिए हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ हद तक जानने में सक्षम हुए। उसके अलावा पृथ्वी की संरचना को आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए जो हमें हमारे पास कुछ प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं उनमें है वोल्केनिज्म मीन्स ज्वालामुखी क्रिया और अर्थक्वेक मीन्स भूकंप विज्ञान। एक बात ध्यान रखिए कि ये जितने भी आप प्राकृतिक साधन हैं या प्राकृतिक साधन हैं इनमें जो हमारा भूकंप विज्ञान है ये सबसे कारगर साबित हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन करने में, मीन्स इसके द्वारा ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या की गई। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके आर्टिफिशियल सोर्स मीन्स अप्राकृतिक साधन से कि आखिर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। तो जो हमारा आर्टिफिशियल पहला साधन है वो है घनत्व मीन्स डेंसिटी। हमारी जो पृथ्वी है उसका जो औसत घनत्व है वो है लगभग 5 ग्राम पर सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपरी परत के मीन्स जो हमारा ये अर्थ हुआ, अर्थ के जब सरफेस का डेंसिटी निकाला गया या इसका घनत्व फाइंड किया गया तो ये निकला 3, मीन्स पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, बट इसकी भूपर्पटीय या इसके ऊपर की जो सतह है उसका घनत्व निकला केवल 3। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे पृथ्वी का जो घनत्व है वो बढ़ता जाएगा। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा अप्राकृतिक साधन है वो है दबाव मीन्स प्रेशर। आप लोग ये जानते होंगे कि कहीं भी स्थान पर जब वहाँ पे दबाव बढ़ता है मीन्स वहाँ पर प्रेशर बढ़ता है तो उससे वो उस स्थान का घनत्व भी बढ़ने लगता है। मीन्स जो हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं उन पे जब प्रेशर बढ़ेगा, जब दबाव बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये जो प्रेशर का टर्म है ये बेसिकली डेंसिटी को ही डिफाइन करने के लिए दिया गया। फिर हम बात करते हैं तापमान की या टेम्परेचर की। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते जाते हैं पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता हुआ जाता है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर की गहराई पर, मीन्स अगर हम 32 मीटर अंदर जाएं तो हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इंक्रीमेंट मिलेगा। हालांकि ये बाद में बदलता रहता है, ये इसकी जो तापमान में वृद्धि की दर है इसमें चेंज
चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिकली 100 किलोमीटर जाने के बाद में पृथ्वी के तापमान में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। तो इससे ये माना गया कि जब हमारी पृथ्वी एक सॉलिड मीन्स जब ये एक आग का गोला थी, मैंने पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, तो उसमें हमने ये जाना था। तो उसमें ये बताया गया कि जब पृथ्वी एक आग के गोले के समान थी तो वो ठंडी तो हो गई, मीन्स उसका ऊपरी जो सतह है, ऊपरी जो सरफेस है, वो तो ठंडा हो गया, लेकिन जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो अभी भी गर्म का गर्म बना हुआ है। तो ये थे कुछ प्राकृतिक साधन जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कुछ हद तक व्याख्या की गई, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि इससे ये नहीं डिफाइन हो पाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वास्तव में वो है क्या। तो इसके लिए कुछ प्राकृतिक सोर्स भी हैं, जिनमें जो हमारा पहला सोर्स है वो है वोल्केनिज्म मीन्स ज्वालामुखी क्रिया। आप लोग जानते होंगे कि जिस स्थान पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, मीन्स जहाँ पर ज्वालामुखी निकलती है, तो वहाँ पर ज्वालामुखी के मुख से लावा निकलता है, मीन्स जलवाष्प बहुत सारी गैसें निकलती हैं, तो उसमें से एक लावा निकलता है, और जो लावा होता है ये तरल होता है मीन्स लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर के भाग में कहीं ना कहीं लिक्विड जरूर मौजूद है, मीन्स पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है उसमें कहीं ना कहीं लिक्विड जरूर मौजूद है। एक बात ध्यान रखिए कि पृथ्वी के अंदर जब ये लावा रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्मा, लेकिन जब ये ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बाहर आ जाता है तो इसको हम लोग लावा का नाम देते हैं। तो इस क्रिया के द्वारा माना गया, मीन्स ज्वालामुखी क्रिया का अध्ययन करने के बाद में ये माना गया कि पृथ्वी के अंदर कुछ हद तक कहीं ना कहीं ऐसा रीजन है जो कि लिक्विड है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा सबसे बेटर सोर्स था, मीन्स हमारा सबसे अच्छा जो साधन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, वो है हमारा अर्थक्वेक मीन्स भूकंप विज्ञान। हालांकि इसको समझे उसके पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड स्विस, इन्होंने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, इनको पहले जान लेते हैं फिर हम अर्थक्वेक भूकंप विज्ञान के बारे में समझते हैं। एडवर्ड स्विस ने ये बताया कि पृथ्वी में मुख्यतः तीन ही लेयर हैं अंदर से। इन्होंने बताया कि जो हमारा ऊपर का लेयर है इसको इन्होंने क्रस्ट बताया, क्रस्ट जो कि सियाल सियाल से बना हुआ है, सियाल का मतलब हुआ सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इन्होंने बताया। उसके बाद बताया इन्होंने जो इसका अंदर का रीजन है मीन्स ओशियनिक क्रस्ट है, मीन्स जो ओशियन का भाग है, महासागरीय भूपर्पटी है वो, और जो हमारा इसका मेंटल है मीन्स ये हमारा मेंटल हुआ और महासागरीय भूपर्पटी, इसका निर्माण हुआ है सीमा से मीन्स सिलिकॉन और मैग्नीज से। इसके अलावा इन्होंने बताया कि पृथ्वी के इंटरनल जो भाग है वो कोर है, और इसका निर्माण हुआ है निफेस से मीन्स निकिल और आयरन से। लेकिन आज के समय में ध्यान रखिएगा कि एडवर्ड स्विस का जो ये सिद्धांत है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हमें इसके बारे में नहीं जानना है, हमें बेसिकली जाना है अर्थक्वेक के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि भूकंप विज्ञान से किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में हमें मदद मिली। देखिए जो हमारी भूकंप की क्रिया के दौरान जो तरंगे निकलते हैं मीन्स जो वेव निकलते हैं, उनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। मीन्स जो हमारी पहली तरंगे होती हैं उनको हम प्राइमरी वेव कहते हैं या प्राथमिक तरंगे, दूसरी हमारी है सेकेंडरी वेव या द्वितीय तरंगे, और तीसरी हमारी है लॉन्गिट्यूडनल वेव या धरातलीय तरंगे। हालांकि इन तीनों तरंगों के बारे में डिटेल में हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन जो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में जिन तरंगों का प्रयोग किया जाता है वो हमारी बेसिकली दो तरंगे हैं, जिन्हें हम प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव कहते हैं। तो इन्हीं इसी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की हेल्प से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया गया कि आखिर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी वेव की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। जो हमारी प्राइमरी वेव होती है ये जो हमारे तीनों मीडियम होते हैं मीन्स ये तीनों माध्यम में गति कर सकती है, मीन्स अगर हम बात करें सॉलिड मीडियम की, लिक्विड मीडियम की या गैस मीडियम की, मीन्स अगर हम ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों की बात करें तो तीनों माध्यम में ये एक समान रूप से गति कर सकती है। लेकिन सॉलिड मीडियम में इसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है मीन्स सबसे तेज ये ट्रैवल करती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में ये सबसे कम, मीन्स इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वो सबसे धीमी हो जाती है। इसके विपरीत जो हमारी सेकेंडरी वेव होती हैं,
सेकेंडरी वेव सॉलिड और गैस में अच्छे से ट्रैवल करती हैं, लेकिन ये लिक्विड मीडियम में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी हुई। हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी जितनी भी ये वेव्स हैं, मीन्स ये जो हमारी तरंगे हैं, इनका यूज ये बेसिकली हमारे जो ध्वनि तरंगे होती हैं, मीन्स हमारी साउंड वेव होती हैं, उन्हीं के समान इनकी प्रॉपर्टी होती है। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग ज्वालामुखी सॉरी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, उस समय हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर में यस वेव और पी वेव को, पी वेव की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे डिफाइन किया गया। सबसे पहले हमारा नॉर्थ पोल हुआ, या इसे हम भूकंप केंद्र भी कह सकते हैं। भूकंप केंद्र से जब हमारे एस वेव को प्रोपोगेट किया गया, तो जाहिर सी बात है अगर एस वेव को प्रोपोगेट किया गया था तो इसे सीधे आकर अर्थ के इंटीरियर से होकर हमारे साउथ पोल पर निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो गई, मीन्स ये डाइवर्ज हुई और इस तरह से इनका डाइवर्जन हो गया। तो इससे ये क्लियर हुआ कि जो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे पृथ्वी के अंदर का जो डेंसिटी है वो चेंज हो रहा है। मीन्स अगर आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं वो मीडियम में अपनी चाल को बदलती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी जो यस वेव है, यस वेव भी डाइवर्ज हो गई। लेकिन एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद में जो हमें यस किरणों का बाहर निकल रही थी, मीन्स जो हमारी यस किरणें इस तरह से प्रोपोग होकर विचलित होकर बाहर निकल रही थी, उनका मिलना बंद हो गया। मीन्स 2900 मीटर की दूरी पर आकर ये किरणें हमें मिलना बंद हो गई, और इस तरह से जो हमारा ये रीजन फॉर्म हुआ, इसे हम कहते हैं यस वेव शैडो रीजन, मीन्स यस तरंग का छाया क्षेत्र। तो ये हमारी हुई एस वेव की स्टडी, जिसके द्वारा ये पता चला कि जो हमारा रीजन है, जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, वो 2900 किलोमीटर के बाद में कुछ ना कुछ कहीं किसी हद तक वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में यस तरंगे ट्रैवल नहीं करती थी। तो ये क्लियर हो गया कि 2900 किलोमीटर के बाद में जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो लिक्विड में है। फिर हमने सिमिलरली इसी तरह से पी वेव को प्रोपोगेट किया हमारे नॉर्थ पोल या भूकंप केंद्र से, या कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव या भूकंप केंद्र से हमने प्रोपोगेट किया। तो इसकी भी प्रॉपर्टी कुछ हद तक शुरुआत में तो एस वेव की तरह ही मिली, मीन्स ये भी सीधी ट्रैवल ना होकर कुछ तरंगे अपने मार्ग से विचलित हुई और इस तरह से अर्थ के सरफेस से होती हुई बाहर निकल गई, लेकिन उसी दूरी पर जहां पर एस किरणें हमें मिलना बंद हो गई थी। उस दूरी पर आने के बाद में ये तरंगों का जो स्पीड है वो कुछ कम हो गया और ये अपने मार्ग से और विचलित हो गई। मीन्स इस रीजन में आकर यहां से प्रवेश करने के बाद में ये तरंगे थोड़ी धीमी हो गई और उसके बाद में फिर ये निकलते हुए हमारे अर्थ के दूसरे साइड से निकल गई। लेकिन कुछ तरंगे जो इस रीजन में पहुंची, यहां पर आने के बाद में ये धीमी हुई, और जब इस रीजन में ये तरंगे पहुंची तो इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो ये माना गया कि जो हमारे अर्थ का सबसे इंटीरियर पार्ट है वो सॉलिड है। तो इस तरह से पी वेव के प्रोपोगेशन से हमें ये चीजें पता चली। ध्यान रखिएगा कि एस वेव का जब प्रोपोगेशन किया गया तो एस वेव की जो किरणें थी वो 2900 किलोमीटर की दूरी पर जाकर हमें मिलना बंद हो गई, मीन्स उनके बाद में वो पृथ्वी के इंटीरियर में इंटर नहीं कर पा रही थी। इससे ये क्लियर हुआ कि जो हमारा पृथ्वी का इंटीरियर है, मीन्स 2900 किलोमीटर के बाद में जो पृथ्वी का रीजन है या जो पृथ्वी का क्षेत्र है वो लिक्विड है। उसके अलावा जब पी वेव हमारी यहां से इंटर की तो ये तो माना गया कि स्पीड कम हुई, तो मीन्स ये माना गया कि ये हमारा रीजन लिक्विड है। लेकिन जब ये किरणें 5150 किलोमीटर की दूरी पहुंची तो इनकी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई, मीन्स जो इनकी यहां पर जो स्थिति थी, जो इसका पूरी तरह से गति थी इस रीजन में, उससे यहां पर यह ऑब्जर्व किया गया कि यहां पर इसकी गति सबसे ज़्यादा है। तो यहां से हमें दो चीज़ें पता चली कि ये हमारा जो रीजन है ये सॉलिड है और इसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा है।
तो ये हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन फाइंड किए गए हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी के इंटीरियर के संबंध में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इससे आगे की चीजें समझने का प्रयास करते हैं, मीन्स इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। आप लोग ये जो फिगर देख रहे हैं, ये हमारे पृथ्वी का एक हिस्सा है। किस तरह से, जैसे आप लोगों के घर जब तरबूज आता होगा गर्मियों के सीजन में, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से चाकू की मदद से एक बीज का रीजन निकाल लेते हैं, ये देखने के लिए कि इसके अंदर तक का क्षेत्र कैसा है, मीन्स ये ज़्यादा पका है या नहीं है, मीठा है या नहीं है। मीठा नहीं होता तो आप लोग उसमें चीनी उनी डालकर फिर से उसको बंद करके रख देते हैं। तो ठीक उसी तरह से हमने अर्थ के अंदर से इस तरह से एक पार्ट को निकाल लिया है, और हम अब इसके जरिए जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा है। इससे पहले हम इसका अध्ययन करें, हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इस फिगर में आप जो ये रीजन देख रहे होंगे, जिसको मैंने हरे रंग से सेट किया है, वो हमारा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मींस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब है कि हमारा जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है, और इसके अलावा जो ये रीजन है ये ओशियन क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट है, मीन्स हमारी महासागरीय भूपर्पटी। जब यहाँ से पी किरणों का फॉल किया, मीन्स पी किरणें और एस किरणें दोनों को प्रोपोगेट किया गया, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जब इस रीजन में हमारी ये दोनों किरणें आती हैं तो यहाँ पर इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो इससे ये सॉरी इसकी स्पीड अच्छी खासी होती है, मीन्स दोनों किरणें एक ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं। तो इससे ये पता चला कि हमारा जो ये रीजन है ये सॉलिड है, मीन्स 0 to 30 किलोमीटर का ये जो रीजन है ये सॉलिड है। उसके बाद में 30 से जब 200 किलोमीटर की दूरी में ये इंटर करती हैं, वहाँ पर ये देखा गया कि दोनों की स्पीड जो है वो कम हो गई। तो इससे ये तो क्लियर हुआ कि ये जो हमारा रीजन है ये सॉलिड नहीं है, लेकिन हालांकि ये किरणें इसमें इंटर कर रही हैं, तो इससे ये भी प्रतीत हो गया कि ये लिक्विड भी नहीं है। मीन्स हमारा जो ये रीजन है, मीन्स 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच का, ये कहीं ना कहीं सेमी मोल्टन है, मीन्स ना तो ये सॉलिड है ना तो ये लिक्विड है, मीन्स ये सॉलिड और लिक्विड के बीच का भाग है। उसके बाद में फिर जब इस रीजन में हमारी पी और एस किरणें दोनों इंटर करती हैं, तो यहाँ पर इनकी स्पीड एक बार फिर से बढ़ जाती है, मीन्स मेंटल रीजन में, और इसको नाम दिया गया मेंटल। इस रीजन को नाम दिया गया क्रस्ट, उसके बाद में इस रीजन को नाम दिया गया मेंटल, और ये हमारी है कहाँ से कहाँ तक, 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। उसके बाद में जब इस रीजन में तो हमारी यस जो किरणें हैं, जो यस तरंगे हैं, वो प्रवेश ही नहीं करती हैं, तो ये माना गया कि हमारा जो ये रीजन है ये लिक्विड है। उसके बाद में इस रीजन में पी किरणों की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा तेज हो जाती है, तो ये माना गया कि जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है वो सॉलिड है। अब आइए हम इस रीजन को अध्ययन करते हैं। जो हमारा ये रीजन है 0 से 30 किलोमीटर का, इसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट, सॉरी 0 से 200 किलोमीटर का इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है ये सियाल से हुआ है। सियाल का मतलब हुआ सिलिकॉन और अल्मूनियम, मीन्स जो हमारा ऊपर का क्रस्ट है, भूपर्पटी है हमारा, इसका फॉर्मेशन हुआ है क्रस्ट से, सॉरी सियाल से, सिलिकॉन और अल्मूनियम से। और इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, मीन्स जो हमारा 0 से 30 किलोमीटर का रेंज है इसको हम लोग कहते हैं अपर क्रस्ट, और जो हमारा नीचे का रीजन है इसको हम लोग कहते हैं लोअर क्रस्ट। जिसके द्वारा ये इस रीजन को डिवाइड किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कोणार्ध असंबद्धता, मीन्स कोणार्ध एक साइंटिस्ट है हमारे जिन्होंने इस असंबद्धता के बारे में बताया था, तो इसीलिए इस जो हमारा रीजन है जो हमारी लाइन अलग करती है हमारे अपर क्रस्ट को और लोअर क्रस्ट को, इसको हम लोग कहते हैं कोणार्ध असंबद्धता, असंबद्धता। उसके बाद में 30 से 200 किलोमीटर में यहाँ पर डेंसिटी भी चेंज हो जाती है, हमारे रीजन की डेंसिटी चेंज होने का कारण जो मैंने आपको बताया ये प्रेशर है। तो 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर का जो रीजन है इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया, इसको हम लोग ऊपरी पार्ट को हम लोग कहते हैं अपर मेंटल और नीचे वाले भाग को कहते हैं लोअर मेंटल।
इसका फॉर्मेशन बेसिकली हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सियाल और सीमा मीन जो मेंटल का फॉर्मेशन हुआ है ये सीमा से हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि इस रीजन में जो हमारी पी और एस किरणें हैं इनकी गति सबसे ज़्यादा तेज हो जाती है। हमारे अपर मेंटल में जो हमारी डेंसिटी होती है 3.4 होती है। इसके अलावा जो हमारा ये रीजन है इसमें डेंसिटी चेंज होकर जो डेंसिटी की मीन्स घनत्व की जो हाईएस्ट लिमिट पहुंचती है वो 5.6 पहुंच जाती है। उसके बाद में 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर के रीजन को पूरे इस रीजन को हम लोग कोर कहते हैं। और इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कोर का जो हमारा ये रीजन होता है ये हमारा है लिक्विड फॉर्म में, मीन्स ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है और हमारा ये रीजन सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म के बारे में हमें कैसे पता चला? मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि जब यस किरणें इस रीजन के बाद में एंटर करना बंद कर देती हैं, यस तरंगों का प्रोपगेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो हमारा रीजन है ये लिक्विड है। इस रीजन के सॉलिड होने का पता इस तरह से चलता है कि यहाँ पर जो हमारी पी तरंगे हैं उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से हमने कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया। हालांकि कोर को हम लोग एक नाम देते हैं इसे हम लोग अंतरतम भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम लोग अंतरतम भी कहते हैं, लेकिन आप लोग इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया, जो हमारा ऊपर का ये रीजन हुआ इसे हम लोग आउटर कोर कहते हैं और नीचे के पार्ट को इनर कोर के नाम से इसको डिवाइड किया गया। मींस ये हमारा हुआ बाह्य कोर और ये हमारा हुआ आंतरिक कोर। इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी है, मींस कुछ असंबद्धता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मींस जिस रीजन में हमारा क्रस्ट अपर मेंटल क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट है वो लोअर क्रस्ट से अलग होता है, मींस इसे हम लोग नाम देते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी या कोनार्ड असंबद्धता। उसके अलावा वो रीजन जहाँ से हमारा क्रस्ट मेंटल से अलग होता है, मींस इस रीजन की हम बात करें तो इसको हम लोग नाम देते हैं मोहो असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो हमारे मोहरो बिर्किक एक साइंटिस्ट थे रूस के, इन्हीं के नाम पर इन्होंने ही इसकी खोज की थी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम मोहो असंबद्धता रखी गई। उसके बाद में जहाँ पे ऊपरी मेंटल निचले मेंटल से अलग होता है मीन्स इस पार्ट को, इसे हम लोग नाम देते हैं रेपेटी असंबद्धता। ये भी हमारे एक साइंटिस्ट थे और इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं रेपेटी असंबद्धता। रुकिए हम इसका नाम लिख देते हैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि वो रीजन जो हमारे अपर क्रस्ट को मीन्स अपर भूपर ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी को अलग करता है उसे हम लोग कहते हैं कोनार्ड असंबद्धता। इसकी खोज कोनार्ड ने की थी, इसी के नाम पर इसका नाम कोनार्ड असंबद्धता पड़ा था। उसके बाद में जहाँ से क्रस्ट और मेंटल हमारा अलग होता है उसे हम लोग कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहरो बिविक एक साइंटिस्ट थे रूस के, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। उसके बाद में जिस रीजन में अपर मेंटल लोअर मेंटल से अलग होता है इसको हम नाम देते हैं रेपेटी और डिसकंटिन्यूटी। उसके अलावा जहाँ से हमारा लोअर मेंटल आउटर कोर से अलग होता है इसे हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग विसार डिसकंटिन्यूटी। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गुटेनबर्ग विसार डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है उसकी डेंसिटी में अचानक ही बहुत चेंज आता है। ये जो हमारा रीजन है जो यहाँ का लिक्विड फॉर्म है ये माना जाता है कि इसके गुण कुछ तरह से पारे के समान होते हैं। SG आप लोग जानते होंगे, पारे के समान ही इसके गुण माने जाते हैं। फिर जो 5150 किलोमीटर पर जहाँ पर हमारा आउटर कोर इनर कोर से अलग होता है इसको हम लोग नाम देते हैं लहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह से ये हमारा हुआ अध्ययन। हालांकि जो हमारे इसमें कुछ रॉक्स पाई जाती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा क्योंकि आगे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मीन्स चाहे वो चट्टानों के बारे में हो या इसके अंतर्जात या बाह्यजात बल के बारे में हो या फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो या प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी हो,
सिद्धांत हो, इन सबको, ये सब आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोग एक फ्लो में एक अच्छे अच्छी तरह से इन चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों के द्वारा कमेंट जो किया जाता है, चाहे वो निगेटिव को लेकर हो या पॉजिटिविटी को लेकर हो, उससे मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं और इस तरह से वीडियो बनाऊं कि जो हमारे सारे दर्शक हैं या सारे जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारा ये परिवार है, इसके सभी सदस्यों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।